तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन मार्केट में अगर नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो PSUs या सरकारी कंपनियां का कुछ ना कुछ लेवल पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कहीं कहीं प्राइवेट कंपनीज़ वैसे ही मार्केट का अच्छा खासा शेयर उठा रही हैं और सरकारी कंपनी बस नाम की रह गई है। अब जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस हैं प्राइमरीली, वैसे तो बहुत हैं लेकिन बड़ी दो एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE, ये सबको पता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन और एक्सचेंजेस, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट देम? क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे सेबी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ करेंगी कि आप अपनी एक्सचेंज सेटअप कर सकते हैं। यस, दिस इज़ गोना हैपन। इसके बारे में सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, कागजी काम भी शुरू हो गया है। क्या है सारा डिटेल, इस वीडियो में क्विकली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक का रूल ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एक कंपनी है, चाहे इंडिया की चाहे बाहर की, तो आप किसी भी एक्सचेंज में 5% या उससे कम का होल्डिंग रख सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा के मालिक आप नहीं हो सकते। ये एक रूल बना हुआ है जो पिछले कुछ सालों से, जब से भी ये मार्केट सेटअप हुई है तब से चलता आ रहा है, और बाहर की कंट्रीज़ में भी मोर लेस वैसे ही रूल्स हैं। लेकिन सेबी को लगता है कि मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए मार्केट, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे थोड़ा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा सा ऑप्शंस बढ़े अलग अलग कंपनीज के पास लिस्ट होने के लिए और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब 100% रिटेल एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई कंपनी, एक एक्सचेंज सेटअप कर सकती है इस पेपर के थ्रू। थ्योरेटिकली कागजी काम अभी हो रहा है, इसमें बस आपको यह है कि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने चाहिए और आप पूरे के पूरे एक्सचेंज को खुद चला सकते हैं। मतलब जो कंपनीज लिस्ट होती थी NSE, BSE या कोई भी एक्सचेंज पे, MCX, NCDX बहुत सारे हैं, वो अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकती हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन ये एक तरीके के इंडिविजुअल या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होंगी, प्राइवेट एंटिटीज होंगी जिनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। इससे पहले बिमल जलान कमेटी 10 साल पहले कुछ नए एक्सचेंजेस को लेकर आने के नए नॉर्म्स लेकर आने वाले थी, लेकिन इंडिया है, टाइम लगता है, तो बिमल जैन कमेटी का कुछ नहीं हुआ। और इस चक्कर में पिछले 10 साल में 15 रीजनल एक्सचेंजेस और 17 बोर्सेज, मतलब टोटल 17 बोर्सेज जिसमें 15 एक्सचेंजेस हैं रीजनल की, वो खुली नहीं, वो एक्चुअल में बंद हो गई। तो मार्केट में एक तरीके से नए ऑप्शन आने की बजाय जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस थे वो कम होते जा रहे हैं, और उस चीज़ को देखते हुए सेबी ये पर्टिकुलर रूल लाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि वो अलाउ करेगा कि किसी भी प्राइवेट या एक तरीके से इंडिविजुअल या एंटिटी को वो एक्सचेंज सेटअप करना कोशिश करें। जो रूल्स हैं एक्सचेंज सेटअप करने के, वो ऑब्वियसली वही रहेंगे, वो जो एक तरीके का फिल्टरिंग क्राइटेरिया है, जो एक तरीके का प्रोसीजर है उस एक्सचेंज को सेटअप करने का, कुछ 100 करोड़ का खर्चा, जो वट एवर इट्स गोना हैपन, वो सब होगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी लेवल पे, कुछ सपोर्ट लेवल पे, कुछ ऑपरेशनल लेवल पे, कुछ पार्टनरशिप्स लेवल पे, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको लगता है, बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज़ ऑलरेडी इनको अप्रोच कर रहे होंगे, सेबी को पुश कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ कीजिए मार्केट में, हमें एक कंपनी की तरह एक्ट नहीं करना है, एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करना है जो कि एक एक्सचेंज होता है। तो मोस्ट लाइकली ये आइडिया इज़ कमिंग फ्रॉम दी सप्लायर साइड ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि ये डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, सप्लायर ऑलरेडी होंगे इनके पास जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जो अप्रोच कर रहे हैं सेबी को, और वो इस पर्टिकुलर डिस्कशन को एक्चुअल मटेरियलिस्टिक लेवल पे अब लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होगा इसका, मतलब इसके आगे चल के इसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स या इसके एक तरीके से इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, वो समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक कमेटी या इस तरह का एक पॉसिबिलिटी अलाउ होना चाहिए जिसमें कोई भी कैसा भी बैकग्राउंड से आए, बैकग्राउंड ऑनेस्टली बिजनेस में बैकग्राउंड थोड़े ग्रे होते हैं, कहाँ से भी आए, क्या वो एक एक्सचेंज सेटअप कर सकता है, क्या एक ट्रस्ट फैक्टर बन पाएगा? क्योंकि इसमें कंपनीज़ भी लिस्टेड होने वाली हैं और अच्छा खासा पैसा लगता है इस चीज़ में, एक विश्वास का एक एक्सपेक्टेशन होता है। दूसरा, एक रिटेल इन्वेस्टर इस एक्सचेंज में अपना पैसा लगाने वाला है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका नेगेटिव साइड भी बहुत बड़ा है, कई बार एक्सचेंजेस भी बंद हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं बचा, उसके इसमें नुकसान काफ़ी लोगों का होता है।
तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांगली सेबी को देखनी पड़ेंगी जब वो, अगर वो ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं, होपफुली वो करेंगे भी मोस्ट लाइकली। लेकिन आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि क्या ये ओपननेस मार्केट में फ्रॉम द सप्लायर साइड आनी चाहिए या नहीं, या ये रेगुलेटेड होना चाहिए और सिर्फ सरकार के पास अब एक तरीके से हक होना चाहिए कि कौन सा एक्सचेंज क्या लिस्ट हो, क्या करे वो सब एक तरीके से सरकार के हाथ में हो। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आपको अपडेट देना था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।